शाहिद कपूर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ब्लडी डैडी के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं, जहां अभिनेता की इस बड़ी बजट की फिल्म की घोषणा पिछले हफ्ते काफी धूमधाम से की गई थी। वही फिल्म के ट्रेलर ने फैंस के बीच काफी उत्साह बढ़ा दिया है, जहां शाहिद कपूर का एक्शन अवतार दिखाते इस ट्रेलर के साथ साथ जिस एक चीज ने सबसे ज्यादा शोर मचाया वह अभिनेता की फीस थी, क्योंकि शाहिद कपूर ने कथित तौर पर फिल्म के लिए 40 करोड़ रुपए से भी ज्यादा फीस चार्ज की है। हालांकि अब हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अभिनेता ने दावा किया है कि उन्होंने कभी भी पैसे के लिए किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। दरअसल मीडिया संस्थान इंडियन एक्सप्रेस ने बीते दिन शाहिद कपूर से एक मुलाकात की, जिसमें अभिनेता से 40 करोड़ फीस के बारे में सवाल पूछा गया, जिस पर अभिनेता ने इस बात पर हंसते हुए कहा कि कैसे मजाक के तौर पर बताए गए आंकड़े अब मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। आपको किसी ने बिना सोचे समझे मजाक में बोल दिया और इसे आप सभी ने सीरियस भी समझ लिया। वही अब आपकी इन सारी खबरों के बाद तो कोई मुझे आगे काम भी नहीं देगा। वही शाहिद कपूर की माने तो उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता है, क्योंकि अभिनेता ने आगे कहा कि ईमानदारी से मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं यह कर सकूँ, क्योंकि हर कोई अमीर बनना चाहता है लेकिन यह वास्तव में कठिन है, इसीलिए मैं पैसे के लिए कुछ और भी कर लूँ शायद, लेकिन अभिनय नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभिनय को लेकर बहुत जुनूनी हूँ और मैं कभी बेईमान नहीं हो सकता। यही नहीं, अभिनेता ने अपनी परवरिश और अपने कौशल के लिए अपने माता पिता के प्यार को दिखाते हुए उन्होंने आगे कहा कि आप देखिए मेरे माता पिता पंकज कपूर और नीलिमा अजीम में अपने काम के लिए कितना जुनून था, और वे करोड़पति और खरबपति नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन विनम्रता से व्यतीत किया। हालांकि वे भले ही स्थापित बेहद प्रशंसित और विश्वसनीय कलाकार रहे हों, लेकिन वे करोड़ों रुपए वाले सुपरस्टार नहीं थे, इसलिए मेरे माता पिता मेरे हीरो थे और उनके काम की क्षमता और उनका जुनून मेरे साथ रहा है और मैं इसे अपने सिस्टम से बाहर नहीं कर सकता। वही अब हम उनकी वर्क फ्रंट की बात करें तो आपको बता दें कि अभिनेता को आखिरी बार वेब सीरीज फर्जी में अभिनय करते देखा गया था, जहां इस सीरीज में शाहिद के अभिनय की खूब तारीफ हुई थी। वहीं अब इस समय अभिनेता अपनी आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म ब्लडी डैडी के लिए चर्चा बटोर रहे हैं, जहां यह फिल्म 9 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि अभिनेता की ये आने वाली फिल्म अब दर्शकों के बीच क्या कमाल दिखा पाती है। वैसे शाहिद कपूर को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।